करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ले जी, अब मैं आपको मिलाता हूँ उस्तादों के उस्ताद हैं ये। पिछले 37 साल से ये कढ़ाई के ऊपर राज कर रहे हैं और सन 80-82 में ये साहिवाल आए थे और तब से इन्होंने इब्तदा की थी यहाँ पर कढ़ाई की, जो मक्खन में बनती है। और आज मैं आपको मिलाने लगा हूँ जी उस्ताद शकील लाहौरी के नाम से ये मशहूर हैं और उनके साथ मैं आपको मिलाता हूँ जी। ये हैं जी उस्ताद शकील लाहौरी साहब, इनके पास आज मैं साहिवाल में हूँ और ये दारुल माहिबर अब काम कर रहे हैं ये। पहले काफ़ी अरसा इन्होंने लाहौर में काम किया है, अब 1982 से ये साहिवाल में है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इनका इनके हाथ में टेस्ट है। कढ़ाई के ये मास्टर हैं यहाँ पर साहिवाल में जी। ये सिर्फ दही है जी? सिर्फ दही। ये सिर्फ दही है जी, खालस वो भी जी। इसके अलावा ये धनिया इन्होंने बना कर रखा हुआ है, सब्ज मिर्च है जी, ये अदरक है जी। ए मसाले दसना केड़े केड़े ने? सुरख मिर्च, कश्मीरी मिर्च सुरख, ये सूखा धनिया है, ये सूखा धनिया जी, ये नमक है और ये सिर्फ काली मिर्च है, ये काली मिर्च है जी, कोई गरम मसाला नहीं है और ये हल्दी है, और ये हल्दी है जी, और ये पेशावरी कढ़ाई के लिए दड़ा मिर्च है जी। और गरम मसाला ये अपनी कढ़ाई के अंदर यूज़ नहीं करते, उस्ताद शकील लाहौरिया साहब मुझे बता रहे हैं जी। ये गरम पानी इन्होंने रखा हुआ है जी, इसमें अदरक है, लहसुन है और पानी है सिर्फ गरम, इसे बॉयल कर कर रखा हुआ है इन्होंने। प्याज डाला है और टमाटर, नमक मैंने डाला है, ये नमक डाल रहे हैं जी, अदरक वाला पानी डाल रहे हैं, अदरक लहसुन वाला पानी जी, उसके बाद इसको ढक्कन लगा देना जी। इसके अंदर सिर्फ टमाटर, प्याज के बाद अभी व्हाइट कढ़ाई है, इसके अंदर इन्होंने दही डाली है, अदरक डाला, सब्ज मिर्च, रेड मिर्च जी, और ये मक्खन डाल रहे हैं जी, और इसके बाद ये क्रीम डलेगी। और पहले वाला प्रोसीजर जो है वो हम आपको स्टार्ट पर दिखा सके हैं। ये आप इसके अंदर फ्रेश क्रीम डालने लगे हैं जी, ये वाइट कढ़ाई क्या जी, वाइट चिकन कढ़ाई। इन्हें दही कितनी पाई जी? दही कितनी पाई थी? 100 ग्राम। ते क्रीम भी 100 ग्राम दी थी? 50 ग्राम कर ले। ये वाइट ही है, इसके अंदर आप रेड मिर्च इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ी सी की है इन्होंने, इससे जायका बनता है, इससे कह रहे हैं कि जायका बनता है जी। और ब्लैक भी करनी है, ये भी मक्खन फ्रेश क्रीम है और इसके अंदर दही है और अदरक लहसुन वगैरह उसी तरह डलेगा, अदरक और लहसुन का पानी उसी में ये पकी है।
इसके रेट में भी फर्क होता है जी, जो वाइट कढ़ाई है इसका रेट डिफरेंट है जी। इसी के अंदर आप ये धनिया अदरक और ये एंड पर काली मिर्च हल्की सी, ये चिकन वाइट कढ़ाई होगी।